शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चलिए करते हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत दोनों ही गोरखपुर में हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज ये मुलाकात हो सकती है, क्योंकि 5 दिन का गोरखपुर में मोहन भागवत का कार्यक्रम कल खत्म होने जा रहा है। संभावना इसलिए गहरा रही है कि आज मुलाकात हो सकती है। लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रदर्शन पर भी नजरें हैं, योगी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब खबरों के बीच योगी और भागवत गोरखपुर में हैं। 5 दिन का मोहन भागवत का ये दौरा था जो कल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत दोनों गोरखपुर में हैं। संभावना है कि आज उनकी मुलाकात हो सकती है, संघ के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, सारी संभावनाएं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, कितनी संभावना कि आज होगी मुलाकात और अगर होगी तो कब? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस बात को लेकर के सुबह से कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से होगी। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है जहां पर लगातार उनकी मौजूदगी है और ये वो स्थान है एसवीएम पब्लिक स्कूल जहां पर पिछले 4 दिनों से संघ प्रमुख का डेरा है। लेकिन अभी तक जो है सूचना के मुताबिक संभावना अभी भी है कि मोहन भागवत से मिलने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके सकते हैं। अभी इस वक्त वो जो है गोरखपुर के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। एक तरीके से लगातार सुबह भी जब वो आए थे तो चिड़ियाघर में 2 बब्बर शेरों को छोड़ा है, उसके अलावा समीक्षा बैठक की, उसके बाद गोरक्ष धाम मंदिर गए और उसके बाद में अभी फिर से वो मुआयना करने के लिए कुछ कार्यों का गए हैं। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वो सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं मोहन भागवत से मिलने के लिए। महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा भी पिछले दिनों आरएसएस के तरफ से जो फीडबैक मिल रहा था, जिस तरीके के बयान आ रहे थे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर के आप जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे उस पर भी एक फीडबैक की उम्मीद है कि आज अगर मुलाकातें होती है तो जरूर लिया जाएगा। और लगातार चूंकि ये जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है इसमें मंत्र दिया है मोहन भागवत ने 2025 तक हर एक गांव में शाखा शुरू करने का, एक एक्सपेंशन का एक प्लान लगातार जो है बनाया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चा संभव है। लेकिन वो तभी होगा जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। उम्मीद पूरी है कि वो आएंगे क्योंकि जब जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में रहे हैं हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है और आज जब उन्हीं के गढ़ उन्हीं के क्षेत्र गोरखपुर में है तो संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज ये मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, चर्चाएं कई बातों पर हो रही हैं। चर्चाएं इस बात पर भी हो रही हैं कि लोकसभा देखिए चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद ये मुलाकात पहली होगी जब योगी और भागवत की होगी। यूपी में जैसा प्रदर्शन रहा क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी? खबरें हैं कि संघ के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। क्या क्या मुद्दे होंगे अगर आज मुलाकात होती है तो कौन कौन से मुद्दे जिस पर बातचीत हो सकती है? देखिए अर्पिता, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस नतीजे का क्या कारण रहा। लगातार दावा किया गया था, मिशन 80 था, 80 सीटों का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन वो 33 सीटों पर सिमट गई जो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन उसका 2014 के बाद है। एक तो ये विषय, दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से पहले से भी आसुकबुकाहट चल रही थी, टिकटों के बंटवारे को लेकर के एक नाराजगी दिखाई दी थी, संघ के लोगों का मानना था कि उसमें बदलाव वो नहीं किया गया, जमीन पर जो फीडबैक आया उसको लेकर के भी सवाल होंगे, संगठन में ही लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, कुछ विधायकों पर आरोप लगे, सांसदों के साथ सहयोग ना करने के, कहीं पर प्रशासनिक तौर के आरोप लगे, तो ये तमाम चीजों पर एक फीडबैक सरकार के मुखिया के तौर पर और उत्तर प्रदेश के प्रचार का जो फेस रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, वाजिब है कि अगर ये मुलाकात होगी तो ये सवाल जरूर उठेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम बता रहे हैं कि पिछले दिनों भी हमें याद है जो बयानबाजी चल रही है, एक तरीके से हालांकि उस पर पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है, संघ ने इस बात को साफ किया आरएसएस की तरफ से कि ये जो बयान अहंकारी होने के और जो बातें कही जा रही थी वो कोई औपचारिक बयान नहीं है, वो एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है जो स्वयंसेवकों को कहा जाता है। लेकिन इन सब के इतर अगर देखें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है जो कि लोकसभा चुनाव के बाद और भी प्रासंगिक। ठीक है अभिषेक, जर रहिए साथ। और इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का जायजा भी गोरखपुर में ले रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुलाकात से पहले योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम यहाँ पर थे, उन कार्यक्रमों को हरी झंडी भी दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जहां पर किसानों के लिए खासतौर पर ट्रैक्टर हो या और योजनाएं हो उस पर भी आगे अमल करते हुए, और दूसरी तरफ विकास कार्य कैसे चल रहा है खासतौर पर गोरखपुर में उसको भी समझने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लेकिन
क्या आज मुलाकात होगी भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच, और अगर होगी तो कौन से मुद्दे होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात ये उस वक्त हो रही है जब आरएसएस और बीजेपी के बीच दरार की अटकलें लगाई जा रही है। पहले मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम लिए अहंकारी वाला बयान दिया, जिसे विपक्ष ने मोदी सरकार से जोड़कर देखा। हालांकि आरएसएस की ओर से साफ कर दिया गया था कि उनके इस बयान का मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिसके बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बीजेपी की कम सीटों की वजह अहंकार को बताते नजर आए। हालांकि अब वो अपने बयान से जरूर पलट गए। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए, जिसका बीजेपी बड़ा पार्ट एंड पार्सल है, उन्होंने और वहाँ पर शपथ ग्रहण किया है, और शपथ ग्रहण करने के बाद सारे देश ने खुशियों का इजहार करते हुए कहा है। मैं आपके चैनल के द्वारा कहूँगा, देशवासियों को अपील करूँगा कि वह सब कंधे से कंधा, कदम से कदम, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर एक नए भारत के निर्माण में आज की सरकार को सहयोग करें।